कि क्यों जा रही है हेयर कट के लिए। आज होने वाला है घर में बहुत सारा ड्रिलिंग का काम। गाइज आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 11 o'clock। वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बना है लूची एंड आलू की सब्जी। और जैसे कि मैंने कहा था, आज होने वाला है घर में बहुत सारा ड्रिलिंग का काम, इसलिए हर जगह आपको एक बॉक्सेस, न्यूज़पेपर्स ये सब दिखेगा। दिस टू आर जस्ट बैक, विल फिनिश आवर ब्रेकफास्ट एंड 11:30 तक आने वाले हैं जो ड्रिलिंग के लिए आएंगे। तो घर में धमाल मचने वाला है, मुझे पता है इतना गंदा होता है ड्रिलिंग के बाद, बट हाँ करवाना तो पड़ेगा। अगर इतना सारा चीज़ें लिया है तो लगाने के लिए ड्रिलिंग तो चाहिए। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ें हैं वो है कि क्यों जा रही है हेयर कट के लिए। आज शाम को 6 बजे अपॉइंटमेंट है हमारे, तो देखते हैं फाइनली ग्रूमर उसके बाल काट भी सकते हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता क्या करेगी, वहाँ पर इतनी बदमाश है, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्या करेगी वहाँ पर जाके। देखते रहिए ये ब्लॉग, सब कुछ शेयर करेंगे। Hello guys, as I told you all, we have an appointment at 6 o'clock and now it's 5:55. We have almost reached, it will take another 10 minutes. And here is Flurry and Kiara. These two are sitting in front and I have left my front seat for Boomba. That's a very big sacrifice, I'm telling you. I love front seat. I hate sitting in the back seat, but it's okay. Since these two are comfortable, look at Kiara. I got this pillow for Kiara, but Kiara is using Flurry's back as a pillow. I have something in mind how I want Kiara's hair to get cut, but let's see. The groomer is the best person to say that which will suit her hair quality and the coat density. He's the best one to tell me that. So I'll go according to him because this is a very, very first time. And I hope, I'm keeping my fingers crossed, everything goes well and Kiara doesn't get so anxious or something, because that day when she was sitting with Dad in the back seat and I was in front with Flurry and Dipanjan, she got very anxious, very, very anxious, and there was a slight palpitation as well. So I don't want that happen, kyunki group mein aaj thodi der rahungi. Hopefully sab kuch acha acha ho jayega. Wish Kiara luck and wish me luck as well. मतलब कियारा पूरा उस पूरे बाल उसके झड़ जाएंगे ना अभी। झड़ जाएंगे का क्या मतलब है? शी विल हैव अ नाइस हेयर कट। नाइस हेयर कट, हां मैं उसको पूरा टकला नहीं बना रही हूं आज। ओ नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फ्लरी को तो हमने पहले बार पूरा टकला, वो तो पता नहीं था ना, उसके बाद कितना रोया था हमने। तुमने रोया था, हमने नहीं। जो भी हो, असली बात तो मैंने बताया नहीं, हमारा घर का सारा काम खत्म हुआ 3:30 बजे, ठीक है। उसके बाद हमने लंच किया 4:15 को, सब नहा धो के घर साफ करके, और जब ड्रिलिंग होता है तो पता ही है घर कितना गंदा होता है, तो हम दोनों ने मिलके आधा आधा घर झाड़ू फिर पोछा ये सब करके बाद में, और हैबिट नहीं है ना पोछा करने का, बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद हम लंच करके उठे 4:45, कैसे भी करके रेडी हुए। देखिए मैं कैसे बाल बना के निकली हूँ, मुझे खुद ही हॉट लग रहा है, कैसे भी करके एक बना के आ गई हूँ। अगर मेरा कोई अपॉइंटमेंट है, मैं 15 मिनट पहले पहुँचना पसंद करती हूँ, बट लेट नहीं।
फिर भी आज हम 5 मिनट लेट हो जाएंगे क्योंकि बहुत ट्रैफिक है. मैं आप लोगों को ट्रैफिक दिखाती हूँ. दिस इज द ट्रैफिक सिचुएशन अहेड. गोरमंगला में बहुत कॉमन हो गया क्योंकि यहाँ पे भी मेट्रो का काम चल रहा है तो इसलिए बहुत ट्रैफिक है. The battles that we lost, the chances I gave you, I never complained. It's true, the nights you didn't call, then I come home at all. Who's gonna hold your hand in the dark? Who's gonna warm your cold, cold heart? लड़ी भी यहाँ पे घूम रही है, मज़े से घूम रही है. एंड गुम्बा गॉट मैंगो लस्सी फॉर अस, गॉड ब्लेसिंग. हमें इतना प्यास लग रहा था, पानी है हमारे पास पर फिर भी. एंड वी विल एंजॉय दिस नाउ. अभी पार्लर में कोई नहीं है, बस हम ही शायद लास्ट कस्टमर है ना आज के, आई थिंक सो. तो क्या लगा, बस शायद और 15-20 मिनट लगेगा. एक्चुअली गुम्बा ने आज मेरा दिन खुश कर दिया. तो हुआ ऐसे कि मेरे पापा के देहांत हो गया था 2011 में. तो उसके बाद से पापा का एक फ़ोटो था मेरे पास हमेशा से, वो रहता है. तो शादी के बाद भी वो हमारा जहाँ पे भी हम गए, जहाँ पे भी हमारा छोटा सा भी जो भी मंदिर टाइप बना था वहाँ पे हमेशा पापा का वो फ़ोटो रहता था. अभी क्या हुआ, वो ऐसे ही रहता था. इस बार हम जब शिफ्ट हो रहे थे तो ऑलमोस्ट वो गुम होने वाला था, तो फिर भी हमको किसी भी तरह मिल गया. बट आज गुम्मा ने एक सरप्राइज़ दिया कि पापा का उस फोटो को उसने 10x8 का एक फ्रेम में पूरा लगा के मुझे आज सुबह मेरे हाथ पकड़ के रूम पे ले गया और फिर वहाँ जाके मुझे मेरे हाथ में दिया. अभी मैं हंस हंस के बोल रहा हूँ लेकिन मैं सच में बहुत खुशी भी हुआ था क्योंकि ऐसे कोई मुझे, मैं किसी से गिफ्ट लेता नहीं हूँ, वो एक चीज़ है. और दूसरी बात है कि ऐसा गिफ्ट जो सोच समझ के कोई देता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है. अंदर वो पापा वाला जो गिफ्ट है वो उसका कोई मतलब इनवैल्यूएबल है. तो इसीलिए हियर इज द वंडर गाय. दैट वाज रियली टचिंग, वेरी वेरी टचिंग. वी वर टच्ड. अभी हम पीते हैं लस्सी. इमोशनल बात करने में मुझे बड़ा डर लगता है, नहीं करूँगी. लस्सी पीते gonna be our dinner tonight. This is smoky chicken one with mushroom and this is a Lebanese chicken. So today it was a heck of a day. क्या क्या नहीं हुआ. एक तो हम खाना खाए 4:30 बजे, फिर वहाँ पर बैठे थे. जब हम वहाँ से निकल रहे थे इट वॉज शोइंग कि बाई 8:40 वी विल रीच होम, बट वी रीच होम अराउंड 9:10 और 9:15. इतना ट्रैफिक और मैप ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए कहीं गली में घुसा दिया था जिसमें एक साइकिल भी खड़ा है तो एक कार नहीं जा सकता. तो बहुत टेंशन में हम लोग कैसे भी करके घर पहुँचे और सब लोग टायर्ड हो गए थे. आते ही फ्लरी कियारा ने खाना खाया और उसके बाद अब हम खाना खाएंगे और फिर मैं कल सुबह मिलूँगी क्योंकि आज और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बात करने की. अभी खाना खाएँगे और हम देख भी रहे केसरी, तो ये खाना खा के और शायद आधा घंटा एक घंटा देख के हम सो जाएंगे. तो कल सुबह आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोग कहीं मत जाना. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. तो कल रात हम इतने टायर्ड हो गए थे, उस बिस्तर में गिरे और हो गया हमारा. और सुबह हमारा आँख खुली आज 8:30 को क्योंकि हम इतना टायर्ड हो गए थे, हम थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे. और उसके साथ सुबह से क्यों मैंने व्लॉग नहीं की, मैं आपसे मिल रही हूँ नाउ इट्स 2:40, इसलिए व्लॉग नहीं किया क्योंकि सुबह से मैं बहुत बिजी थी. घर का बहुत सारा काम था जैसे कि बेडशीट चेंज, डस्टिंग, जो हम तीनों मिलके तीनों रूम का कर रहे थे. तो दो आइटम भी आज बना लिया क्योंकि संडे है, कुक नहीं आता है. और प्रशंसित ने नया हेयर कट भी किया है,
दिखाती हूँ, हमें तो बहुत अच्छा लगा है, आप लोग ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। वो थोड़ा कन्फ्यूज़ है कि वो कैसा लग रहा है, बट हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एनी वैसे अभी हम खाना खाएंगे और शाम को शायद मैं नर्सरी जाऊंगी, मुझे कुछ प्लांट्स लेना है। आप सबको भी साथ लेके चलूंगी। आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग दिस ब्लॉग एंड मेरा होम टूर बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत 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 जल्दी आने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो। आज जो मैंने बना है ये है माछेर माथा दिए दाल, विच इज़ मूंग दाल विथ फिश हेड। ये बहुत यमी बनता है, ये जनरली शादी के घर में सुबह बनता है मेन्यू में। और दिस इज़ कतला फिश, बट इसको मैंने बनाया है दही से, जिसको हम दही कतला बोलते हैं। उसके साथ आलू परवल की सब्जी, ये था फ्रिज में लेफ्ट ओवर, और राइस। तो ये था ये, ये थर्ड रीटेक है, लास्ट दो बार सेम शूट किया रिकॉर्डिंग मटन प्रेस ने। ये थर्ड टाइम है। तो ये प्रशंजीत विद हिज न्यू हेयर कट एंड ही वेंट टू द सेम हेयर स्टाइलिस्ट जिसके पास हम लोग जाते हैं, सतीश इन एनरिच। और उसको बस हमने बोला था तो जाके बोलना लुक चेंज करना है, बट डिसेंट कट करना है, और काफ़ी अच्छा करके आया है। बहुत पोलाइट बंदा है एक्चुअली, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता क्या बोल रहे हैं, बट काम बहुत बढ़िया करता है। चलो गाइस खाना खाते हैं और फिर शाम को मिलते हो। डैडी फ्लाइट से हाय, क्यों ओ क्यों, एक बार सबको फेस तो दिखा दो, क्यों क्यों ए क्यों 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 ओ क्यों भाई, क्यों बड़ी प्यारी लग रही है, आंखें एकदम निखर के बाहर आई है आफ्टर हेयर कट, क्यों आ क्यों फ्लरी ए क्यों क्यों मामा। बहुत बिजी है दोनों, फ्लरी लेके आए टॉय मेरे पास। हम अभी अभी गए थे नर्सरी जैसे कि मैंने कहा था, बट मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि जहाँ पे हम गए वो दुकान वहाँ से शिफ्ट हो गया, और बहुत ही अच्छा रिव्यूज़ देख के हम गए थे उस नर्सरी में जस्ट स्टाइल पे, बट वो शिफ्ट हो गया और जहाँ पे वो लोग गए हैं वहाँ पे अभी तक सेटअप नहीं किया है, वो हमको कॉल करने के बाद पता चला पहुँच के। तो इसलिए हम ऐसे ही जो मुझे चाहिए था, जो प्लांट मुझे पर्टिकुलरली चाहिए था वो हमें एक सेकेंड स्विगी ओके बुम्मा ने ऑर्डर किया है ग्रिल चिकन, वो डिलीवरी करने आया है तो नहीं मिला। और फिर हमारे ऑन द वे दो तीन और नर्सरी थे जो लोकल वाले हैं, वहाँ पे हम गए, जो थोड़ा छोटा सा नर्सरी होता है वैसा था, तो वहाँ पे हम गए थे और वहाँ पे मिला, बट इतना रात हो गया है और लाइट कम हो गया है कि कुछ भी अच्छे से दिखने को नहीं मिल रहा था, तो मैं कुछ नहीं लाई फ़िलहाल, थोड़ा सा टाइम लेके बाद में देख के लाऊंगी। और मैं सोची थी ये मैं व्लॉग में इंक्लूड करूंगी बट नहीं हुआ, तो कभी और दिखा दूंगी। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, आई होप दैट यू लाइक वॉचिंग। ओ व्हाट्स हैपनिंग फ्लरी, ओ आई लव व्हेन क्यू डज दैट, जब भी फ्लरी वॉकती है क्यू एकदम क्यूट होके उसको नैक करती होती, प्लीज़ मुझे दे दो। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू कमेंट डाउन बिलो वॉट एवर यू वॉन्ट अ कमेंट। स्टे ट्यून गाइस टिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय। मामा एक बार बाय तो बोल दो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। हाँ फ्लरी एक बार बाय तो दो, एक बार एक बार एक बार एक बार, अभी कोई बात करने की मूड में नहीं है, सब खेलने में बिजी। Hey guys, bye. Bye guys.